घीये का हलवा। घीया यानी लौकी, ये बच्चे शौक से नहीं खाते हैं, तो इस तरह से अगर हम बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चे बहुत शौक से खाएंगे, और खासतौर पे जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल है उनके लिए ये घीया बहुत फायदेमंद रहता है। तो आज हम घीये का हलवा बनाने जा रहे हैं। ये देखिए बहुत जल्दी काला होता है, इसलिए मैंने घी पहले से ही डाल लिया है कढ़ाई में। ये टू हीप्ड स्पून देसी घी है। अब गैस ऑन कर लेते हैं और साथ में ये 2-3 इलायची इसमें डाल सकते हैं, और मैं साथ साथ ही ये घी भी डाल दूंगी। क्योंकि इसके काले पड़ने का डर है, इसलिए इसे हम बहुत फास्ट तरीके से कढ़ाई में डालेंगे। दस मिनट तक मैंने इसे पकने दिया है और ये अपने ही पानी में अच्छे से पक गया है, गल गया है। और इस इधर देखिए इसका ये घी भी अलग दिखाई देने लगा है, इसका मतलब कि ये इसकी भुनाई अब हो चुकी है। अब ये मेरे एक ट्रिक है, ये मैंने घी निकाला था मलाई से, और मैं इस मलाई का यूज़ बहुत तरह से करती हूँ। अभी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा जो मैंने सूजी का हलवा बनाया था, उसमें भी मैंने ये डाला था, और मैं इसको भी अभी डाल रही हूँ। घी बनाने का तरीका मेरे दूसरे वीडियो में है, आप देख सकते हैं। अब इस खोए को जब मैं इसमें डालूंगी तो इसमें बिल्कुल हलवाई वाला टेस्ट आएगा। इसको अच्छे से मिक्स करना है। और साथ ही साथ इसमें मैं 2 कप्स ऑफ शुगर डालूंगी। ये देखिए 1 and 2। ये 2 छोटे छोटे घी थे, उसके लिए ये सारा इंग्रेडिएंट डाला गया है। इतने के लिए ये 2 कप्स ऑफ शुगर काफी है। अब मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर फ्राई किए हैं, ये काजू और बादाम है, और ये किशमिश है जो मैं बाद में डालूंगी। इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का हल्का ही रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाते हैं, तो इसका बहुत हमें ख्याल रखना होगा। इसमें किशमिश डाल दीजिए। सॉफ्ट कर देते हैं और ये हम हाफ इसमें डाल देंगे और हाफ हम इसे बचा लेंगे ऊपर से गार्निशिंग करने के लिए। अब देखिए जरा इसकी कितनी शानदार शक्ल आई है। किसी भी मेहमान के आगे रखेंगे तो सब आपसे रेसिपी पूछते रह जाएंगे कि ये घीये की रेसिपी कैसे बनाई, और बच्चे भी पता नहीं लगा पाएंगे और आराम से खा लेंगे। अब आप जल्दी से इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, यही मेरे लिए एक इनाम होगा। थैंक यू।